हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में एक और मंदिर लेकर। दोस्तों ये है माँ काली मंदिर, और दोस्तों पहाड़ों की वादियों में है ना ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों देखिए COVID-19 के नियमों का यहाँ पालन भी करना है, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दोस्तों मंदिर की एंट्री है और बिल्कुल पहाड़ी रास्ता जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ पे ये एंट्री है। दोस्तों देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। जूते चप्पल उतारने का भी लिखा हुआ है कि आप जो सीधे हाथ पे हैं वहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ये जो मंदिर है थोड़ा सा नीचे जाके है, मतलब हम मेन रोड से आए, मेन रोड पे हमने स्कूटी लगाई और उसके बाद हम लोग जीने से उतर गए, जीने से हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ बैठने की व्यवस्था वगैरह है जो मैं सीधे हाथ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इधर आपको उल्टे हाथ पे दिखाऊँ तो उल्टे हाथ पे भी आपका जो स्पेस है बहुत ही बढ़िया स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है। और दोस्तों ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पे दोस्तों लोगों ने धागे बांधे हुए हैं, उनकी अपनी दोस्तों श्रद्धा होती है लोगों की। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए उल्टे हाथ पे ये लिखा हुआ भी है कि श्री महाकाली मंदिर, और दोस्तों काली माता का ये मंदिर है, बहुत ही बढ़िया मंदिर। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों में जो पेड़ है वो आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों वाह पहाड़, वाह वाह वाह, मतलब मजा आ जाता है पहाड़ देख के तो। और अगर कोई पहाड़ों में रहने का शौकीन है ना तो वाकई में उसको ये जगह देख के ना वो पागल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया जगह। अब दोस्तों इस मंदिर में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और चीज़ें दिखाता हूँ कि इस मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों हम लोग थोड़ा नीचे आ गए और नीचे आके यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलती हैं दोस्तों, तो सीढ़ी से हम और नीचे आ गए। सीधे हाथ पे ही दोस्तों हमारे यहाँ पे पानी रखा हुआ है, पानी आप यहाँ पे पी भी सकते हैं। और अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं, बाइक या स्कूटी से आ रहे हैं तो आप अपने बाल भी बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, मतलब बिल्कुल यहाँ से जो व्यू है सामने का, ये पहाड़ है दोस्तों, पहाड़ों के दोस्तों जो पेड़ हैं वो ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इधर ये मंदिर है, और दोस्तों कितना बढ़िया मंदिर है, मतलब इधर ये पूरा महाकाली देवी का मंदिर है। और इस देवी का जो मंदिर है ना बहुत ही बढ़िया जगह है। और दोस्तों सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, आपको सारी यहाँ पे सुविधाएं दी गई है, उनका बस पालन करें दोस्तों। उसके अलावा आप घंटी बजा सकते हैं, घंटी मैंने बजाई, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया जगह है। उसके बाद और आगे चलेंगे दोस्तों तो और आगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा था सारी यहाँ पे सूचना लिखी हुई है। उसके अलावा दोस्तों ये पीछे का हिस्सा जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग आए, ये मेरा भाई है दोस्तों, इसमें हम दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए काली देवी का भी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया उनका चित्र लगा हुआ है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। सामने का देखिए क्या व्यू है, मतलब मैं तो व्यू देख के पागल हो रहा हूँ कि क्या पहाड़ों का क्या व्यू है। और शाम में आप देखिए जब यहाँ पे धूप पड़ रही है, तो धूप क्या पड़ रही है, वाह वाह, मतलब धूप पड़ गया ना ऐसा लग रही है बिल्कुल कि मन कर रहा है मतलब बस यहीं से झूल के पहाड़ों में चले जाओ। और दोस्तों इतने बढ़िया पहाड़, मतलब पहाड़ों में देखिए मेरा तो बहुत मन करता है कि मतलब पहाड़ों में रहूं, लेकिन अगर आपका भी मन करता है ना, बहुत बढ़िया जगह है। पीछे देखिए दोस्तों रोड भी थी जिस रोड से हम आए थे, उसके अलावा भी एक रोड यहाँ पे बनी हुई है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है, बैठ भी आप सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मंदिर है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो और मंदिरों के हमें दर्शन होते जा रहे हैं। ये एक मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देवी देवताओं के दर्शन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, शिवलिंग यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शिवलिंग लग रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं इधर थोड़ा पीछे से आ गया, मैंने सोचा कि शायद इधर से आपको और चीज़ें मैं दिखाऊँ, तो दोस्तों ये पूरा जो है ना पहाड़ का व्यू आपको यहाँ से दिख जाएगा। दोस्तों मतलब आप ये मान के चलिए कि बस बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर, मतलब इस तरफ भी पहाड़, उस तरफ भी पहाड़ और बीच में ये मंदिर। और देखिए कितना बढ़िया है मंदिर लग रहा है ना। देखिए यहाँ पे भैया भी आए हैं, इन्होंने भी दोस्तों घंटी बजाई, तो यहाँ पे आप आके आप आराम से घंटी बजा सकते हैं और दोस्तों आप बहुत ही आनंद ले सकते हैं इस मंदिर का। दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ भी जाऊँगा, देखिए यहाँ पे भैया सफाई कर रहे हैं, तो सफाई के लिए मैनेजमेंट भैया को मैनेजमेंट देखा, फिर मैं यहाँ पे चला गया। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए काली देवी का मंदिर, और बहुत ही बढ़िया दोस्तों काली देवी का यहाँ पे मंदिर है, पंडित जी भी उसके अंदर हैं, पंडित जी दोस्तों अपनी शायद अभी आरती भी करेंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पीछे से भी जा सकता हूँ, तो मैं दोनों तरफ से आपको रास्ता जरूर दिखाऊंगा। ये दोस्तों पीछे का रास्ता है जो मैं आपको बता रहा था कि पीछे से भी आप आ सकते हैं, तो पीछे से जब मैं आया दोस्तों तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी है ना पूरा जो व्यू है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों शायद ऐसा है कि लोग यहाँ पे मन्नत भी मांगते हैं, तो उसके लिए दोस्तों लोगों ने इतनी चुनिया बांधी हुई है और ये कलावे भी यहाँ पे बंधे हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों दृश्य है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे आपको और चीजें दिख जाएंगी। ये दोस्तों पूरा ये पहाड़ी व्यू है, और यहाँ पे पहाड़ का जो दर्शन है ना, मतलब आप अगर इस मंदिर में आए हैं तो पहाड़ और मंदिर दोनों ही देख के आपको अचंभा जरूर होगा, क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यार ये मंदिर टिका हुआ कैसे। और ये देखिए पहाड़, वाह, मतलब धूप पड़ के पहाड़ और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। और दोस्तों ये देखिए नदी, नदी भी यहाँ पे निकल रही है, मैंने आपको ये जूम करके दिखा दिया है ना, कितनी प्यारी नदी लग रही है। अगर नदी के हम पास में होते ना
तो वाकई में दोस्तों नदी में हम पैर डाल के बैठ जाते। देखिए यहाँ से भी ये नदी निकल रही है, जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए मंदिर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका बजरंग बली जी है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मंदिर मिल जाएगा दोस्तों। और एक से बढ़िया एक चीज़, यहाँ पे आप घंटी बजा सकते हैं दोस्तों, घंटी भी है, दान पात्र भी हर जगह रखे हुए। देखिए बजरंग बली जी की तस्वीर भी बाहर पे लगी हुई है, कितने बढ़िया बजरंग बली जी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी एक भगवान ने रखे हुए हैं, ये दोस्तों मुझे इनका नाम तो नहीं पता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक भगवान रखे हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक मूर्ति और रखी हुई है, तो इतना बढ़िया। उसके अलावा देखिए दोस्तों सारी यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी हुई भी दिखाई दे जाएंगी कि मंदिर में आप स्वच्छता बनाए रखें और भी जो चीज़ें होंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो शेयर।